नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजो नारायण। बहुत स्वागत है आपका साथ की बात में। आज साथ की बात में सबसे पहले जिक्र होगा उस सितारे का जो अब हमारे बीच नहीं रहा है। पॉपुलर टीवी एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला का गुरुवार को निधन हो गया। उनकी मौत हार्ट अटैक से हुई है। हालांकि फिलहाल उनका पोस्टमार्टम किया जा रहा है। सिद्धार्थ का पार्थिव शरीर मुंबई के कूपर अस्पताल में ही है, जहां पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी भी की जा रही है। सिद्धार्थ का यूं चले जाना सभी को रुला गया है। हर कोई रो रहा है, चाहे वो बॉलीवुड जगत से हो या फिर टीवी इंडस्ट्री से। हर कोई सदमे में है। बहुत लोगों को अब भी यकीन नहीं हो रहा। निधन से पहले रात में सिद्धार्थ के साथ क्या हुआ था, इसे लेकर हर किसी के मन में तमाम सवाल हैं। खबरें हैं कि सिद्धार्थ सुबह करीब 3 से 3:30 बजे के करीब उठे थे। पुलिस के सोर्सों ने बताया है कि सुबह 3 से 3:30 बजे के करीब सिद्धार्थ शुक्ला की तबीयत अचानक थोड़ी सी खराब हुई थी। उन्हें बेचैनी हो रही थी और सीने में दर्द हो रहा था। उन्होंने अपनी मां को इसके बारे में भी जानकारी दी। सिद्धार्थ शुक्ला की मां ने उन्हें पानी पिलाया और उन्हें फिर सुला दिया। हालांकि सुबह सिद्धार्थ शुक्ला उठे ही नहीं। माँ उठाती रही लेकिन सिद्धार्थ शुक्ला नहीं उठे। सिद्धार्थ की मां ने उठाने की बहुत कोशिश की लेकिन उन्होंने रिस्पॉन्स नहीं दिया। उनकी मां ने सिद्धार्थ की बहन को बुलाया और फिर फैमिली डॉक्टर को बुलाया। इसके बाद सिद्धार्थ को कूपर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उनके निधन की पुष्टि कर दी। तभी से ही पूरे टीवी जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। सिद्धार्थ की मौत की खबर के बाद स्टार श्रद्धांजलि दे रहे हैं। एक्टर सलमान खान, अजय देवगन, अक्षय कुमार, विक्की कौशल, वरुण धवन जैसे स्टार्स ने ट्वीट किया है। स्टार्स अब सिद्धार्थ के घर भी पहुंच रहे हैं। बिग बॉस में सिद्धार्थ के साथ रहे आसिम रियाज भी सिद्धार्थ के निधन की खबर के बाद उनके घर पहुंचे। सिद्धार्थ शुक्ला टीवी के जाने माने एक्टर थे। वो बालिका वधू, दिल से दिल तक जैसे शो कर चुके हैं। उन्होंने खतरों के खिलाड़ी, बिग बॉस, झलक दिखला जा जैसे शो भी किए, लेकिन करियर के एक पीक पर 40 साल के सिद्धार्थ शुक्ला दुनिया को अलविदा कह गए। वहीं अब बात करेंगे देश में बढ़ते कोरोना की, जो टेंशन बढ़ा रहा है और लगातार बच्चों के माता पिता भी परेशान हैं क्योंकि स्कूल खुल चुके हैं। ऐसे में वैक्सीनेशन को लेकर ये कहा गया था कि वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है वो तेजी के साथ आगे बढ़ रही है, लेकिन आज आपको हम बताएंगे कि वैक्सीनेशन की प्रक्रिया तो बढ़ रही है लेकिन अब भी एक बड़ी आबादी है जिन्हें डोज दोनों नहीं लगी है। देश में जब कोरोना वैक्सीनेशन का आगाज हुआ था तब सबसे पहले जिन लोगों को कोरोना का टीका लगाया गया वो थे देश के स्वास्थ्यकर्मी। लेकिन जनवरी में शुरू हुए कोरोना वैक्सीनेशन अभियान के 7 महीने बीतने के बाद भी हर 5 में से 1 स्वास्थ्यकर्मी को कोरोना टीके की दूसरी डोज नहीं लग पाई है। सरकारी आंकड़ों की मैं बात करूं तो इसके मुताबिक देश के कई राज्य जैसे कि पंजाब, कर्नाटक, दिल्ली जैसे प्रदेशों में कई स्वास्थ्यकर्मियों को कोरोना टीके की अभी दूसरी डोज नहीं लग पाई है। देश में एक बार फिर कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी होने लगी है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार आज भारत में कोरोना के 47,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। इसके मुकाबले ठीक होने वालों की संख्या कम है। पिछले 24 घंटों में कोरोना से मरने वालों की संख्या 509 है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार गुरुवार को 47,092 कोरोना मामलों के कुल संख्या अब बढ़कर 3 करोड़ से ज्यादा हो गई है। इसी के साथ एक्टिव केस 3 लाख से ज्यादा हैं और अब तक कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या करीब 3,20,28,825 हो गई है। देश में अब तक कोरोना से करीब 4 लाख से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। यानी एक तरफ अगर हम वैक्सीनेशन की बात करें तो अब भी एक बड़ी आबादी, बड़ा तबका ऐसा है जिन्हें कोरोना की दोनों डोज नहीं लग पाई है। ऐसे में जब आगाज हुआ था ये कहा जा रहा था कि इसकी रफ्तार तेजी के साथ बढ़ेगी, लेकिन बीते कुछ दिनों से रफ्तार कम हुई है। हालांकि सरकारी आंकड़ों की मैं बात करूं तो यहां पर डिटेल्स दी जाती है कि अब तक करीब 62% से ज्यादा कोरोना वैक्सीनेशन हो चुका है। देश में कोरोना वैक्सीनेशन अभियान तेजी से जारी एक बार फिर से हुआ है।
बीते कुछ दिनों से, क्योंकि लगातार विपक्ष सरकार पर हमलावर था। ऐसे में एक बार फिर से जो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया है वो तेज कर दी गई है, क्योंकि कोरोना के आंकड़े फिर से बढ़ने लगे हैं। अब तक देश में 66 करोड़ कोरोना डोज लग चुकी है, ये सरकारी आंकड़े बताते हैं। बीते 24 घंटों में 81,000 से ज्यादा लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई गई है। इसी के साथ वैक्सीनेशन का ये आंकड़ा 66 करोड़ से ज्यादा हो गया है। भारत ने समय से पहले ही टीकाकरण के लक्ष्य को हासिल कर लिया है, ऐसा सरकार द्वारा कहा जाता है। इसका कारण अगस्त महीने में वैक्सीनेशन की बढ़ी हुई सप्लाई भी है। चिन्मय गुप्ता, जनरल फिजिशियन, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। चिन्मय जी, सबसे पहले न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में आपका बहुत स्वागत है। चिन्मय जी, आवाज आ रही है मेरी आपको? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। चिन्मय जी, हम देख रहे हैं कि कोरोना के आंकड़े एक बार फिर से बढ़ रहे हैं। देखिए, एक तरफ तो मैं यहाँ ये बता रही हूँ कि कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं, बीते 24 घंटों में 47,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। तीसरी लहर की आशंका पहले ही विशेषज्ञ जो है वो बता चुके हैं। लेकिन अगर बात कोरोना वैक्सीनेशन की हम करें, तो वैक्सीनेशन की रफ्तार एक बार फिर से धीमी पड़ रही है, इसका क्या असर तीसरी लहर में हो सकता है? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा, जो आज 47,000 का आंकड़ा आया है कोविड का केसेस का, वो पिछले दो महीने में हाईएस्ट है। तो हमारे लिए काफी चिंताजनक बात है ये, जबकि सितंबर एंड और अक्टूबर और नवंबर के बीच में थर्ड वेव का प्रेडिक्शन किया गया है, उससे हमें रोकना है किसी भी तरह। उसके तीन तरीके हैं बस। एक तो जो आपने जैसा बताया कि वैक्सीनेशन फुल फोर्स में चलना चाहिए, चाहे कोविशील्ड हो, चाहे कोवैक्सीन हो, चाहे स्पुतनिक हो, हर आदमी को वैक्सीनेशन के लिए जाना चाहिए। बच्चों का जहां तक है, जो 18 साल से कम बच्चे हैं उनका वैक्सीनेशन अभी भी स्टार्ट नहीं हुआ है, वो मैं आपके चैनल से बताना चाहूंगा माध्यम से कि वो गवर्नमेंट को जल्दी से जल्द स्टार्ट करना चाहिए। क्योंकि देखिए, अभी स्कूल्स खुल गए हैं और बच्चे हमारे जो इंडिया में हैं उनको वैक्सीनेट पूरा करते करते 8 से 9 महीने लगेंगे। बिल्कुल। मतलब कि आपका अगले साल का 2022 का मार्च अप्रैल आ जाएगा। तो वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है। जो भी मैं कई काफी पेशेंट्स देखते हैं, डरते हैं लोग कि वैक्सीनेशन लगवाएं ना लगाएं, तो मैं सबको बताना चाहूंगा कि वैक्सीनेशन से ना डरें। अपने जो भी फैमिली डॉक्टर हैं उनको कंसल्ट करें, सीआरपी की जांच कराएं, सीआरपी की जांच के बाद अब वैक्सीनेशन कराएं और दोनों डोज जल्दी लगवाएं। एक और बात मैं पूछना चाहूंगी कि जो कोरोना वैक्सीनेशन भारत में चल रहा है, बताया जा रहा है कि अभियान बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है और भारत ऐसा पहला देश है जिसने तेजी से टारगेट पूरा किया है, लेकिन अब भी एक बड़ी आबादी ऐसी है चिन्मय जी जिनको दोनों डोज नहीं लग पाई है। राइट, देखिए वही मैं कह रहा हूँ। देखिए क्या है कि कोविशील्ड का जो समय है, कोविशील्ड वैक्सीनेशन की बात करते हैं अगर, तो पहला डोज लगता है, सेकेंड डोज 84 दिन बाद लगता है जी। वैसा कोवैक्सीन में 28 दिन बाद है, स्पुतनिक में 28 दिन बाद है। अब ये भी खबर आ रही है कि 6 महीने बाद जो एंटीबॉडीज डेवलप होती हैं अपने सेकेंड डोज के 2 हफ्ते बाद, वो 6 महीने बाद कम होने लगती है, तो बूस्टर डोज लगानी पड़ती है। तो मैं तो ये चाहूंगा कि गवर्नमेंट डोसेस को बिल्कुल लाए, चाहे वो कहीं से इंपोर्ट करें या कैसे करें, अपना जो पुणे में बनती है वैक्सीन बने। और जो टाइम पीरियड है कोविशील्ड का भी, जो 84 दिन कर दिया, जो पहले 1 महीना था, उसको वापस 1 महीने पे लाएं, जैसे कि जल्दी से जल्द लोगों को सेकेंड डोज लगे, सेकेंड डोज के बाद ही इम्यूनिटी बढ़ती है कोविड के अगेंस्ट। जी चिन्मय जी, एक और चीज यहाँ जानना चाहूंगी कि जिस तरह से कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं और कुछ विशेषज्ञ ये पहले से ही आशंका जता चुके हैं कि आने वाले अक्टूबर में जो तीसरी लहर है उसकी शुरुआत हो जाएगी और इसमें पीक जो रहेगा, एक दिन में मामले 3 लाख, 2 लाख, 4 लाख तक भी पहुंच सकते हैं, ऐसे में हमें पहले से किस तरह की तैयारियां रखनी चाहिए? हॉस्पिटल देखिए, आप कह लो 3-4-5 लाख केसेस पर प्रतिदिन तो पहुंच सकते हैं, वो बात आप ठीक है, लेकिन एक खुशखबरी की बात ये है, जो अभी 47,000 केस आए आज के, कल के जी, वो केसेस में C.1.2 जो वेरिएंट है कोविड का, वो अभी भी नहीं पाया गया इंडिया में। जो साउथ अफ्रीका का वेरिएंट है वो डेल्टा प्लस से ज्यादा खतरनाक है, ज्यादा विरुलेंट है और ज्यादा जल्दी फैलता है, तो वो अभी भी इंडिया में नहीं है। तो इसलिए हम लोग को जो इंटरनेशनल फ्लाइट है उस पर रोक तो लगा नहीं सकते, पर कम कर देनी चाहिए। और जो बाहर से हमारे ट्रैवलर्स फॉरनर्स आ रहे हैं उनमें कड़क कोविड टेस्ट होना चाहिए सबका जी।
और जो 3-4 लाख 5 लाख आप दोस्त बात कर रहे हैं उनके हॉस्पिटल्स के, देखिए तैयारी इतनी जल्दी हो नहीं सकती, लेकिन हॉस्पिटल्स हम लोग बहुत जल्दी जल्दी तैयार कर रहे हैं। इवन उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं काफी अस्पताल, योगी जी का काफी स्कीम्स निकली है, मैं देख रहा था ये हमने एक्सप्रेस वे पे हॉस्पिटल किए, 6 महीने में इनको बनाने हैं, बच्चों के लिए बना रहे हैं, वेंटिलेटर्स की तैयारी कर रहे हैं, ऑक्सीजन का प्रतिबंध कर रहे हैं। ये सब चीजें बहुत जरूरी हैं कि अगर हम लोग, अगर ये इतने केसेस आते भी है तो हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचा पाए और उनका इलाज कर पाए। बिल्कुल चिन्मय जी, एक और बात यहाँ मैं जानना चाहूंगी, या मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को बताइए कि जो तीसरी लहर है, क्योंकि विशेषज्ञ कह चुके हैं कि तीसरी लहर पर बच्चों पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला है, तो ऐसे में जो पेरेंट्स हैं अपने बच्चों का किस तरीके से ख्याल रख सकते हैं, इम्यूनिटी कैसे बच्चों की बढ़ाई जाए, तमाम चीजें। देखिए इम्यूनिटी बच्चों का, देखिए 18 साल से कम बच्चे हैं उनका, देखिए बच्चों का वैक्सीनेशन तो अभी स्टार्ट हुआ नहीं है, वैक्सीनेशन स्टार्ट हो जाए तो बहुत ही अच्छा है, जब तक वैक्सीनेशन स्टार्ट नहीं होता है तब तक बस 3-4 चीजें हैं जो हम लोग को फॉलो करनी है। स्कूल्स खुल गए हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग रखें, बच्चों को मना के रखें, और बच्चों को अननेसेसरी बाहर मूवीज खिलाने, पार्क जाते हैं बच्चे खेलने जाते हैं वो ना जाए, और मास्क पहन के रखें, सैनिटाइजर का यूज करें और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, SMS। और जहां तक खाने पीने की बात है उसमें अश्वगंधा एक चीज होती है जिससे इंटरनल बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ती है, जैसे च्यवनप्राश हो गया, सब चीजें हो गई, तो ये सब खानी चाहिए, जरूरी है बच्चों के लिए। बिल्कुल चिन्मय जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियां हम तक पहुंचाने के लिए। तो बड़ी आबादी को कोरोना के दोनों डोज नहीं लगी है, ऐसे में विशेषज्ञ कहते हैं कि घबराने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ सावधान रहने की जरूरत है। दरअसल कोरोना वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने फैसला किया है कि अब राज्य में प्रतिदिन कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। राज्य के मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल, सिविल अस्पताल, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर और प्राइमरी हेल्थ सेंटर में उपलब्ध रहेगी। आपको यह भी जानकारी दे दूं कि इससे पहले मंगलवार, शुक्रवार और रविवार को राज्य में वैक्सीन नहीं लगाई जा रही थी, लेकिन अब बढ़ते मामलों को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने फैसला लिया है। वहीं अगर मैं यूपी की बात करूं, क्योंकि यूपी सरकार की हमेशा तारीफ हुई है, जो यूपी सरकार ने मॉडल अपनाया है इस कोरोना काल में, चाहे 2020 की मैं बात करूं या 2021 की मैं बात करूं, तो योगी सरकार की तारीफ हुई है और सिर्फ देश स्तर पर नहीं वैश्विक स्तर पर तारीफ हुई है, WHO ने भी तारीफ की है। तो ऐसे में यूपी सरकार पुरजोर कोशिश कर रही है कि लोगों को सावधान रखा जाए और पहले से पहले ही कदम उठाए जाए। अभी कुछ दिन पहले ही कोरोना कर्फ्यू की मैं बात करूं तो उसे 10 बजे कर दिया गया था, लेकिन 2 दिन पहले ही खबर आई है कि अब 9 बजे से उत्तर प्रदेश में कर्फ्यू शुरू हो जाएगा, जो नाइट कर्फ्यू होगा। वहीं यूपी सरकार ने राज्य में घर घर जाकर बुखार पीड़ितों का हाल जानने के साथ साथ उनके लक्षणों की जांच करने के लिए अभियान चलाने का ऐलान किया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के कई जिले ऐसे हैं जहां पर वायरल बुखार लोगों की जान ले रहा है। सरकार ने घोषणा की है कि जरूरी दवाओं के साथ ही 7 सितंबर से प्रदेशव्यापी सर्विलांस अभियान शुरू किया जाएगा। बता दें कि इस अभियान के तहत स्वास्थ्यकर्मी बुखार के लक्षण के आधार पर कोरोना की जांच भी करेंगे। तो ऐसे तमाम राज्य हैं जो पहले से पहले तमाम प्रिकॉशंस ले रहे हैं, तमाम तैयारियां कर रहे हैं ताकि जनता को किसी असुविधा का सामना ना करना पड़े और पहले से पहले स्वास्थ्य व्यवस्था जो है वो दुरुस्त रहे, क्योंकि 2021 अगर मैं अप्रैल की बात करूं और मई की बात करूं तो बहुत ही डरावने ये 2 महीने रहे थे। देश रो रहा था, बिलक रहा था, चारों तरफ चिताएं जल रही थी, शव नदियों में तैरते हुए नजर आ रहे थे। तो ऐसे हालात तीसरी लहर में ना हो, इससे पहले ही राज्य सरकारें पूरी तरह से अलर्ट मोड पर काम कर रही है। अब बात करेंगे 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव की, जिसको लेकर बीजेपी पूरी तैयारियां कर रही हैं। ऐसे में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने एक बड़ा बयान दिया है। दरअसल उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अगले साल की शुरुआत में राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव में 2017 की तरह बीजेपी के पक्ष में चुनाव परिणाम आने का दावा कर दिया है। उनका कहना है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में 2024 के लोकसभा चुनाव की लड़ाई होने वाली है, क्योंकि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर जाता है। उनका ये कहना है कि जो 2022 में विधानसभा चुनाव होंगे वो लड़ाई सीधे सीधे 2024 की होगी, क्योंकि दिल्ली का जो रास्ता है वो यूपी से होकर जाता है। उत्तर प्रदेश के चुनाव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही लड़े जाने की बात करते हुए उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि चुनाव के बाद मुख्यमंत्री का फैसला केंद्रीय नेतृत्व और निर्वाचित विधायक करेंगे।
उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने 2017 के विधानसभा चुनाव के मुकाबले में 2022 में उनकी भूमिका को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में कहा है कि वो अध्यक्ष नहीं है, लेकिन 2022 में उनका दायित्व तो अध्यक्ष से कम नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि हम उप मुख्यमंत्री हैं, योगी जी मुख्यमंत्री, स्वतंत्र देव सिंह प्रदेश अध्यक्ष और डॉक्टर दिनेश शर्मा उप मुख्यमंत्री के रूप में है। इस लिहाज से बीजेपी की टीम 2017 की तुलना में ज्यादा समर्थ है। मौर्य दावा करते हैं कि बीजेपी 2022 में 300 का आंकड़ा पार करेगी। उन्होंने कहा कि इस आंकड़े को पार करने में मुझे कोई संशय दिखाई नहीं देता है। हम ये मानते हैं कि 2022 के चुनाव और 2024 के चुनाव एक दूसरे के सहायक सिद्ध होंगे, इसलिए 2024 के चुनाव में बीजेपी का कार्यकर्ता जान लगाकर लड़ेगा और 2022 में भी उत्तर प्रदेश में कार्यकर्ता जी जान लगाकर लड़ेगा और जीतेगा। उन्होंने कहा कि जैसे जनता ने हमें 2014, 2017 और 2019 में आशीर्वाद दिया, उसी तरह 2022 में भी किसी विरोधी दल के बहकावे में आए बगैर फैसला जनता करेगी। जब चुनावी मौसम आता है तो ये विपक्षी दल सक्रिय हो जाते हैं। किसी के परिवार की सीमा है, किसी की जाति की सीमा है, किसी की तुष्टिकरण की सीमा है और किसी की अपराधियों और गुंडों को साथ लेकर चलने की सीमा है, लेकिन सब में विकास का जो लक्ष्य है वो भारतीय जनता पार्टी का है। बीजेपी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी और सबसे बड़े नेता का मार्गदर्शन हमारे पास है, बाकी दलों में इसका अभाव है। विधानसभा चुनाव में नेतृत्व के सवाल पर मौर्य कहते हैं कि जब सरकार नहीं होती तो स्वाभाविक रूप से लोग मानने लगते हैं कि जो अध्यक्ष होगा वही सरकार बनाने पर मुख्यमंत्री बनेगा, लेकिन वर्तमान में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं। अभी तो हम भी मान रहे हैं कि बाकी भी सभी मान रहे हैं कि 2022 के जो परिणाम आएंगे तो योगी जो ही मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन ये मेरे द्वारा नहीं कहा जा सकता। उत्तर प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा ये फैसला जो केंद्रीय नेतृत्व है, केंद्रीय संसदीय बोर्ड है और जो केंद्रीय पर्यवेक्षक आएंगे उनके जरिए उस समय जो विधायक दल होगा उसके द्वारा तय किया जाएगा। तो बीजेपी 2022 में 300 का आंकड़ा पार करेगी। दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर जाता है, यानी बीजेपी सिर्फ 2022 पर नजर बनाए हुए नहीं है, नजर 2024 पर भी है। जी हाँ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के जो बयान सामने आए हैं उससे तो यही लग रहा है कि ये 2022 में तो पुरजोर कोशिश कर ही रहे हैं प्रदेश स्तर पर, लेकिन देश स्तर पर 2024 की तैयारियां अभी से ही बीजेपी ने शुरू कर दी है। तो योगी आदित्यनाथ को लेकर बड़े बयान यहां पर केशव प्रसाद मौर्य देते हुए नजर आए हैं। उनका कहना है कि बीजेपी 300 का आंकड़ा पार करेगी, लेकिन उत्तर प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा ये फैसला केंद्र नेतृत्व का है, केंद्रीय संसदीय बोर्ड का है और जो केंद्रीय पर्यवेक्षक आएंगे उनका होगा। मैं इस पर कुछ भी टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन हाँ, उन्होंने ये साफ कर दिया है कि बीजेपी की तैयारी पूरी है, चाहे वो 2022 का विधानसभा चुनाव हो या फिर 2024 का लोकसभा चुनाव। बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। ऐसे में लगातार हम देख रहे हैं कि बीजेपी के बड़े चेहरे, जो मुख्य चेहरे हैं जिनके नेतृत्व में लगातार हजारों कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, उन पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है ताकि उत्तर प्रदेश का जो रास्ता है वो साफ होता हुआ नजर आए। क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा था कि तमाम चीज़ों को लेकर विपक्ष जो है वो घेर रहा है, चाहे वो ब्राह्मणों का मुद्दा हो, चाहे वो महिलाओं का मुद्दा हो, या फिर बीते सालों में जितने भी बड़े बड़े जो मामले हैं वो सामने आए हैं, बड़े जो घटनाएं सामने आई हैं, ये सारी चीज़ें हों इसको लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है, जनता के बीच जा रही है, जनता के बीच जाकर ये कोशिश कर रही है कि सारे जो भी काम किए हैं प्रदेश सरकार ने वो जनता तक पहुँचाए जाए, जनता को बताए जाए और जनता के बीच जो छवि बीजेपी की बनी हुई है उसको और ज़्यादा मजबूत किए जाए। यानी कि 2022 में समय कम है लेकिन तैयारी बीजेपी की पूरी है, 4.5 साल का वक्त हो चुका है। ऐसे में अब भी बीजेपी पूरी तरह से काम करती हुई नजर आ रही है। हरीशचंद श्रीवास्तव बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हरीशचंद जी, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में पहले सबका बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। हरीशचंद जी, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य क्या कह रहे हैं? चलिए ठीक है, ये तो सही है कि 300 प्लस जीतने की वो बात कर रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि जो मुख्यमंत्री का चेहरा होगा उस पर हम कुछ नहीं कह सकते, ये तो केंद्र नेतृत्व करेगा, यानी अभी कुछ साफ नहीं है। क्या जो 2022 का विधानसभा चुनाव है वो योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में नहीं लड़ा जाएगा? देखिए, माननीय योगी आदित्यनाथ भी उत्तर प्रदेश के सम्मानित मुख्यमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में चुनाव होने जा रहा है। माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने जो बात कही वो एक औपचारिक प्रक्रिया की बात कही है, क्योंकि
आप देखिए कि औपचारिकता यह है कि जब विधानसभा का चुनाव संपन्न हो जाता है तो जो सबसे बड़ा दल होता है उसमें विधानमंडल दल की बैठक में नेता चुने जाने की औपचारिकता पूरी की जाती है। तो जो जो उन्होंने बात कही उसका कोई अन्यथा अर्थ लगाया जाए मुझे लगता है बिल्कुल समीचीन नहीं। हरिचंद जी, ये जो 300 का आंकड़ा पार करने की बात केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं, ये कॉन्फिडेंस है या ओवर कॉन्फिडेंस? नहीं, कॉन्फिडेंस है। पिछले 2017 में भी हमने आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी उसमें प्रदेश अध्यक्ष थे और 300 के पार का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित नेतृत्व ने तय किया था और वो लक्ष्य भारतीय उत्तर प्रदेश की जनता के विश्वास और भरोसे और पार्टी के कार्यकर्ताओं के सहयोग से वो लक्ष्य हासिल हुआ। लेकिन विपक्ष तो तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को घेर रही है, ऐसे में क्या लग रहा है 300 सीटें बीजेपी को आसानी से मिल जाएंगी? लेकिन विपक्ष का अपना काम है, विपक्ष अपना काम करता रहता है, लेकिन जनता काम देखती है ना। उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता के लिए जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने जिस संवेदनशीलता के साथ और जिस अहर्निश परिश्रम के साथ उन्होंने काम किया उत्तर प्रदेश के लिए, चाहे गरीब हो, किसान हो, मजदूर हो, युवा हो, महिला हो, और प्रदेश के समग्र विकास को लेकर जो उन्होंने काम किया वो अपने आप में अद्भुत है। और उत्तर प्रदेश की जनता पूरे भरोसे के साथ में कह सकता हूँ कि 2017 से भी बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी को देने वाली। बिल्कुल ठीक है हरिचंद जी, बहुत शुक्रिया आपका न्यूज बल इंडिया के साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान सामने आया। पहले तो वो 300 का आंकड़ा पार करने की बात कह रहे हैं 2022 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में। तो वही दूसरी बात उन्होंने कही है कि अभी अगला मुख्यमंत्री कौन होगा बीजेपी की तरफ से, इस पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, जो केंद्र नेतृत्व है वो इस पर बड़ा फैसला लेगी। दरअसल न्यूज वर्ल्ड इंडिया की खबर का बड़ा असर हुआ है। कानपुर देहात में राजपुर थाना क्षेत्र निवासी किशोरी ने इंस्पेक्टर की प्रताड़ना से आहत होकर जहर पी लिया था। उसका इलाज हैलट अस्पताल में चल रहा है। मामले को गंभीरता से लेते हुए एसपी ने इंस्पेक्टर विनोद कुमार को सस्पेंड करने के बाद मुकदमा दर्ज कर जांच सीओ को सौंप दी है। दरअसल कानपुर देहात के राजपुरा थाना क्षेत्र की निवासी एक नाबालिग किशोरी ने जहर खाकर जान देने की कोशिश की थी। किशोरी को इलाज के लिए कानपुर के हैलट अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उसकी हालत गंभीर अभी बताई जा रही है। राजपुर के थाना प्रभारी पर लड़की के साथ गलत हरकत करने का आरोप लगाते हुए उसकी मां ने कहा है कि किशोरी को एक मामले की जांच के लिए थाने बुलाया गया था। जानकारी के मुताबिक 14 साल की नाबालिग ने जहर खा लिया, उसे उपचार के लिए हैलट अस्पताल में आईसीयू में भर्ती कराया गया है। जहर खाकर जान देने की कोशिश करने वाली किशोरी की मां ने थानेदार पर उसे परेशान करने का आरोप लगाया और कहा कि थानेदार कई दिन से बेटी को फोन कर थाने बुला रहा था। और आखिरकार न्यूज वर्ल्ड इंडिया ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया और इस खबर का असर भी हुआ है। रविवार को ही बेटी थाने गई थी, जहां थानेदार ने उसके साथ अभद्रता की और उसके बाद फिर उसने आकर जहर खा लिया। कल 3 दिन के दरोगा इसको परेशान करें, इसको परेशान कर सकूं। परसों गई दो बहने, एक बड़ी लड़की और मानसी और सुखमेदी दोनों उसी दिन धमकाया हड़काया, बोले हम तुम्हारा मुकदमा लिख देंगे, जेल भेज देंगे। कल उस दिन मोबाइल नहीं ले गई थी, परसों गई बोले अब कल आना साथ में, और मानसी गई तो उधर पे गए बोली कान लगी के अभी हम नहा ले रहे खाना खाए ले रहे, हमने 2 घंटा बैठे रहे तो उसने खाना खाया पर ना उसका भाव। अब बोलो कान लगो कि मानसी मोबाइल कहाँ है, मानसी बोली ये है मोबाइल, बोले मोबाइल ले आएगी, मानसी बोली मोबाइल नहीं देंगे सर, आप बात बताइए क्या है। थाना राजपुर क्षेत्र के रहने वाले एक आर्मी के जवान जो अभी दिल्ली में तैनात है, उसने थानाध्यक्ष को एक शिकायत भेजा जिसमें उसने यह आरोप लगाया कि उसके एक दूर के रिश्तेदार जो लड़की पीड़िता है उसने उसकी पत्नी का फोटो और उसका मोबाइल नंबर एक फेक आईडी से अपलोड किया है, जिसके कारण लोगों का फ़ोन उनकी पत्नी के मोबाइल पे आ रहा है और उनसे अनर्गल बातें की जा रही हैं, और लड़की को मना करने पर लड़की उसे नौकरी से निकलवाने की धमकी दे रही है। इसलिए इस पर यथाशीघ्र कार्रवाई की जाए। जवान की इस शिकायत के क्रम में
थाना अध्यक्ष द्वारा लड़की के परिजनों को सूचित किया गया और सूचना देने के बाद लड़की और उसकी माँ थाने आई। थाने पर थानाध्यक्ष द्वारा पूछताछ की गई और पूछताछ करने के बाद लड़की और उसकी माँ घर गई। घर वापस जाने के कुछ घंटों बाद पुलिस को यह सूचना मिली कि लड़की ने जहर खा लिया है। इस सूचना पर लड़की को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया और वहाँ से उसे बेहतर उपचार के लिए हैलेट हॉस्पिटल कानपुर में भर्ती कराया गया है। और इसी खबर पर मेरे सहयोगी मनोज सिंह मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनोज, इस पूरी खबर पर क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है? मनोज, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हेलो मनोज, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? काजोल जी, आपकी आवाज नहीं आ रही थी। मनोज जी, मैं आपको सुन पा रही हूँ, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी काजोल जी, आपकी बहुत दबी हुई आवाज आ रही है। बिल्कुल मनोज जी, मैं दोबारा से संपर्क साधने की कोशिश करूंगी, फिलहाल के लिए शुक्रिया। तो ये पूरा मामला कानपुर देहात का था, जहां पर थानेदार से परेशान होकर एक मासूम ने जहर खा लिया और इसके बाद उसे कानपुर के हैलेट अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत गंभीर है। लेकिन न्यूज वन इंडिया ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया और इस खबर का बड़ा असर हुआ है। जो थानेदार था उसका निलंबन कर दिया गया है, साथ ही साथ उस पर FIR भी दर्ज की गई है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।